गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे देश के जवानों, मेरे देश के जवानों। यस, आवाज आवाज सब ठीक है? सना कैसी हो मिस कोकोनट? अभी सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा, सो वेलकम गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक ऑन यूपीएससी 101 विद दिस आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास, जिसमें कल हमने भारतीय सर्प नृत्य के बारे में बहुत सारा अध्ययन किया था। आज कुछ भारतीय संगीत की बातें होंगी, ठीक है? सो ये शाम संगीतमय बनाने के लिए मैं अभिषेक, योर एडुकेटर इंस्ट्रक्टर, स्वागत करता हूँ आप लोगों का यूपीएससी 101 पे अपने इस आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में, जहाँ पे बेसिकली आज हम लेक्चर नंबर 16 मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ, एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। देखो गाइस, हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स देख लिए हैं लगभग, ठीक है? तो मतलब देखा है अच्छा खासा आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ठीक है? देन वी हैव दिस पेंटिंग्स, वी हैव दिस डांस, वी हैव दिस म्यूजिक, हर चीज़ हमने अच्छे से कवर किया है, अभी और भी करेंगे। सो स्वागत है आप लोगों का, फटाफट शेयर कर दो थोड़ा इसे, जल्दी जल्दी शेयर करो और जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करो। दिस इज लेक्चर नंबर 16 एंड विद दैट, इस शाम को संगीतमय बनाने के लिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो सपेरा, जो नागिन नृत्य होता है बेसिकली, ठीक है, वो नागिन नृत्य बेसिकली आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस ट्यून पे सबसे अच्छा हो सकता है। सो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू। थोड़ा शेयर कर दो इसे, ठीक है, और जल्दी पहुंचने का कष्ट कीजिए। कहानी आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, इज ऑल अबाउट दिस इंडियन म्यूजिक दैट यू कैन सी, इंडियन म्यूजिक वाली कहानी है, ठीक है? सो ये कहानी हम शुरू करेंगे। बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक दिस क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी स्टाइल, कार्नेटिक स्टाइल, देन वी हैव दिस फोक म्यूजिक, इस पे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? देन फ्यूजन म्यूजिक की बात करेंगे। अब तुम समझोगे, अब मॉडर्न म्यूजिक में अगर आओगे तो क्या बताऊँ मैं, वही चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का, रॉक चट्टान वाला म्यूजिक, ये वाला म्यूजिक, ठीक है? देन यू हैव दिस पॉप म्यूजिक, डिफरेंस बताऊंगा मैं रॉक और पॉप में। देन यू हैव दिस जैज, एक शब्द जैज भी आया है आजकल, जो काम ये कौन करते रहता है, हनी सिंह एंड ऑल, ये लोग जो करते रहते हैं वो जैज होता है, ठीक है? नहीं जैज नहीं, उसे रैप कहते हैं, रैप, उसे रैप कहते हैं। सो ये डिफरेंसेस भी मैं आप लोग को बताऊंगा, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक, जैज, रैप, ये सब जो मॉडर्न ऐसे ही नाम है सबके, ठीक है? ट्रांस, दिस इज वेरी नाइस थिंग, जैज यहाँ पे है। देन यू हैव दिस साइडेलिक, साइडेलिक म्यूजिक, मैं बताऊंगा सब आप लोगों को, दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है? सो एक बार जल्दी जल्दी पहुंचिए गाइस, ठीक है? सना, आकृति, तान्या, देन यू हैव दिस नेहल, लक्ष्य है, दिख रहे हो सब, आशुतोष इज देयर, ऑल राइट, प्रथम, प्रथम इज देयर, हु इज दिस? यस प्रथम, बहुत दिनों बाद देखा आपको, कीवी, तान्या, मनीषा, शिवलीला, कृष्णा, वैदेही, नाइस टू सी यू बैक वैदेही, तुम्हें साइंस वाली क्लास में मैंने नहीं देखा था, एंड दैट वाज डिसहार्टनिंग। आशुतोष, यू हैव दिस मामलू, ऑल राइट, मनीषा, तितली, शेयर करो फटाफट, ठीक है? और जल्दी जल्दी पहुंचने का कष्ट करो ताकि हम कहानी को जल्दी से शुरू करें। सो गाइज, आर्ट एंड कल्चर में ये जो इंडियन म्यूजिक पे ये क्लास है ना बेसिकली, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली लाइक टेल यू समथिंग वेरी ग्रेट, ठीक है, अबाउट इंडियन म्यूजिक के बारे में आपको पता चलने वाला है, ठीक है? सो ये सारी कहानियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, रुंजुन, तान्या, मीनी, शैलू, हेमंत, सुषमा, ठीक है? इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों में से अगर ऐसा कोई भी है जो अभी तक मेरे से टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, याद रखना, दैट इज स्टडी विथ अभिषेक _ रन अकेडमी, स्टडी विथ अभिषेक _ रन अकेडमी, एंड दिस इज माई एडुकेटर्स कोड AR101, इसे भी याद रखना, दो चीज़ें याद रखना है, इसे ज्वाइन करना है और इसे याद रखना है, ठीक है? बिकॉज अगर इस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन को में आप चाहते हो कि आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग मिले, या अगर आप चाहते हो कि सर मैं आपके पर्सनल मेंटरशिप में प्रिपरेशन को कंप्लीट करना चाहता हूं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द अन एकेडमी यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AR101। AR इज माई नेम, अभिषेक रंजन, एंड A101 एक शुभ संख्या है, तो 101 UPSC 101, तो AR101, ठीक है? ये कोड आपको याद रखना है, एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, स्टडी विथ अभिषेक _ ठीक है? किसी भी डाउट क्वेरी के लिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम और आप यहाँ पे मिलके बातें कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो हियर वी गो, हम कहानी शुरू करते हैं, इंडियन म्यूजिक अगर आप लोगों की आ गया हो तो कहानी शुरू करें। शीनू, एकता, गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए। ये लाल झंडा किसका है? सैम पांडे, मतलब लाल झंडा समझते हो ना तुम, लाल सलाम भेज रहे हो मेरे को, क्या चाहते क्या हो? सना, वालेकुम सलाम, रुक जाओ महाराज, ठीक है, रुक जाओ महाराज, कहाँ रुक जाऊँ, क्या कह रहे हो? गौरी, समीर, चमकू, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, साक्षी, अनुज, ऑल राइट,
चलिए सो गाइस, इंडियन म्यूजिक की कहानी शुरू करने वाला हूँ मैं, ठीक है। पहले तो मैं आप लोगों को एक झलकी दिखा देता हूँ, ठीक है। ओरिजिन की हम बातें करेंगे, देन वी शैल टॉक अबाउट बेसिकली दिस क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक पे आएंगे, फिर कार्नेटिक म्यूजिक पे जाएंगे, फिर यूपीएससी के प्री का मैं क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं अगर शुरू करूँ, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही तो मैं दिखा देता हूँ, मतलब 2018 में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, म्यूजिक वाले सेगमेंट से 18 में भी है आई गेस, यस। लेकिन 2012 वाला मेरे को थोड़ा ठीक ठाक लगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं दिखा देना चाहता हूँ सबसे पहले आप लोगों को कि भाई देखो, ये जो आर्ट एंड कल्चर में ना ये डांस फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये म्यूजिक वाला फॉर्म होता है, देन यू हैव दिस बेसिकली क्या कहते हैं आर्किटेक्चर होता है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट डांस म्यूजिक एंड दिस आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स। आर्ट एंड कल्चर में अगर इन चार सेगमेंट पे तुमको मास्टरी है ना तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इन चारों सेगमेंट को हमने काफी अच्छे से किया है, और भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, डोंट वरी। बट यस, मैं कह रहा हूं कि ये सेगमेंट जो है ना चार, दैट इज एक आप कह लो कि डांस, एक आप कह लो डांस, ठीक है, दूसरा आप कह लो नहीं, डांस से शुरू नहीं करते हैं इसको, शुरू करें अगर शुरुआती टॉपिक से तो पहला आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर की बात करते हो तो स्कल्पचर की बात भी कर लो, स्कल्पचर, दूसरा आप आ जाते हो तो पेंटिंग्स पे आ जाओ, तीसरे पे अगर आप आते हो तो देन यू हैव दिस डांस फॉर्म्स, इस पे तो काफी धुआंधार पढ़ाई हमारी हुई है, एंड चौथे पे अगर आप आते हो तो म्यूजिक। ये चार सेगमेंट जो है ना गाइस आर्ट एंड कल्चर के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, सबसे, और भी बहुत सारी बातें हैं अभी, बट ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। अब जैसे इंडियन म्यूजिक मैंने शुरू किया, ठीक है, वैदेही सॉरी सर, एनुअल डे सेलिब्रेशन का ग्रैंड रिहर्सल था, तो तुमने भरतनाट्यम किया होगा देन आई गेस, लेट हो गया, घर आई थी बट मैंने साइंस सेशन रिकॉर्डेड देख लिया और आर्ट एंड कल्चर सेशन में हूँ, ऑल राइट, इट्स ओके। वैदेही, आई डोंट हैव एनी डाउट, ठीक है, ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, डोंट वरी, मैंने तो बस पूछा है। सैम बाबू, तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? प्रथम इनको रोको, ये कितना गुड इवनिंग कहेंगे, अगर दोबारा देख लिया ना सैम ये सब बकवास करते हुए, ये कितना गुड इवनिंग कहेंगे, और तुम उनका गुड इवनिंग काउंट कर रहे हो, शुरू शुरू में मूड मत खराब करो मेरा, अगर दोबारा देख लिया ना तुम्हें ही ब्लॉक करूंगा सबसे पहले, ये प्रथम साहब और सैम बाबू, आप दोनों आदमी को मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अच्छी खासी बातें हम करने वाले हैं, तो शुरू शुरू में अगर ये नौटंकी मैंने देख ली ना, दोबारा तुम लोगों को देख लिया, अभी का अभी ब्लॉक करूंगा तुम दोनों को सबसे पहले, ठीक है, कीप दैट थिंग वेरी सिंपल इन माइंड, ठीक है, प्रथम और सैम दोनों को मैं कह रहा हूँ, टेक केयर ऑफ दैट, ये इतना गुड इवनिंग कह रहा है, वो इतना गुड इवनिंग कर रहा है, क्या नॉनसेंस पनी है, कोई आके गुड इवनिंग कह रहा है इसे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, शुरू शुरू में ना मूड खराब मत करो, ठीक है, सैम और प्रथम तुम दोनों को मैं बात कह रहा हूँ, गुटबाजी जो देख ली ना मैंने किसी की यहाँ पे, ये उसको बुला रहा है वो इसको बुला रहा है, ठीक है, समझ जाओ, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं नागिन डांस दिखा सकता हूँ ना, तो नाग बन के काटता भी हूँ मैं, एंड व्हेन आई विल बाइट ना माय वेनम इज वेरी टॉक्सिक आई एम टेलिंग यू। सैम एंड प्रथम, डोंट वॉन्ट टू सी दिस रविश अगेन, समझ में आ रही है बात, अच्छा खासा संगीत वाला मूड है बिना मतलब के, शुरू शुरू कोई आके गुड इवनिंग कह रहा है तुम्हें उससे क्या तकलीफ है, एक कर्टसी है, नॉर्मल कर्टसी, आके गुड इवनिंग बोल रहे, व्हाट द हेल यू हैव टू डू विद दैट। इट्स ओके प्रवीण, चलिए, तो ये चार टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे इंडियन म्यूजिक इसमें बेसिकली हमने शुरू किया है, ठीक है, इंडियन मैजिक हमने म्यूजिक हमने शुरू किया है, तो इंडियन म्यूजिक में पहले एक क्वेश्चन ही तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, नाउ की प्लीज फोकस हियर, ठीक है, क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ मैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है, जरा वॉच दिस, ध्रुपद पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्रुपद राग जिसे कहते हैं, ख्याल, ध्रुपद राग, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, दैट अभी बनाने की कोशिश मत करना, नाइदर आई एम एक्चुअली आस्किंग यू द क्या कहते हैं कि भाई इसका आंसर बताओ, मैं तुम्हें क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ सो दैट यू कुड हैव दैट आइडिया, ठीक है, कि भाई बेसिकली किस सेगमेंट को, वैसे भी आर्ट एंड कल्चर आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी से ऊपर उठ ही नहीं पाते हो, 90% ऑफ द स्टूडेंट की तैयारी तो जीवन भर चलते रहती है, क्योंकि उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के अलावा कुछ पता ही नहीं, उन्हें लगता है कि यहीं पढ़ के वो सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, और 5 सालों तक ये करने के बाद शादीवादी की बातें होने लगती हैं, फिर तैयारी तैयारी में, 90% ऑफ द स्टूडेंट की कहानी यही है,
उन्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के अलावा कुछ पता ही नहीं है, उनको पता है कि ये पढ़ लेंगे और वो भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेंगे, तैयारी हो जाएगी मेरी और उसके बाद मैं डीएम बन जाऊंगा, उसके बाद मैं एसडीएम बन जाऊंगा। अबे मासूमो, जितने जल्दी ग्रो अप प्लीज़, ठीक है। इस दुनिया में ना टैलेंट की कमी नहीं है और इस दुनिया में होशियारों की कमी नहीं है, जिनको बहुत अच्छे से पता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी का मतलब क्या होता है। तो एटलीस्ट या तो उनके बराबरी में पहुंचो, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहो, ठीक है। सो आर्ट एंड कल्चर वैसे भी एक बहुत नज़रअंदाज किया गया सेगमेंट है, नज़रअंदाज वही 90%, जिनको सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चार के अलावा कुछ पता ही नहीं, उनको पता यही सिविल सर्विसेज होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा देता हूँ बिकॉज क्वेश्चन देख के, ठीक है, आप लोगों को ना एक आइडिया मिलता है, आइडिया मिलना चाहिए कि भाई किस तरीके से किसी एरिया को मुझे एक्चुअली हैंडल करना है। दैट्स वाई एक्चुअली कीप ऑन शोइंग द क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चन दिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो ध्रुपद राग पे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2012, और भी क्वेश्चन हैं, लगातार म्यूजिक पे क्वेश्चन हैं। वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया दैट हैज़ बीन केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरीज, मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की आप बात करोगे ना तो सबसे प्राचीनतम कुछ संगीत तानों में, रागों में, ठीक है, यू एक्चुअली टॉक अबाउट द ध्रुपद एंड द ख्याल एंड दिस तराना, तीन बेसिकली नाम लिए जाते हैं, ठीक है। कौन सा कथन सही है? एक कथन ये कहता है कि भाई ध्रुपद एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ था राजपूत साम्राज्यों के दौरान ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये कौन सी बात होती है? राजपूत किंगडम, अगर हल्का फुल्का भी आप लोगों ने मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ा है तो राजपूत किंगडम का पीरियड, राजपूतों के इमर्जेंस का पीरियड 1100 से 1200 होता है। अगर मुगलों की बात करोगे तो 16th सेंचुरी होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे, पता भी नहीं है तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत करके आ जाओगे। बाकी दो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तभी बन सकता है, आज जरूर बन जाएगा, ठीक है। ध्रुपद इज प्राइमरली ए स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल म्यूजिक, ठीक है, देखेंगे अभी एंड में, फिर से क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बना के दिखाना। एंड ध्रुपद अलाप एक चीज होती है, अलाप मतलब जो कभी सुनते हैं ना ऐसे करके जो कहते हैं ना गाने के स्टार्टिंग में, जिसमें कोई वर्ड वगैरह नहीं होता है, ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड अलाप, ठीक है। बत्तीसी मत दिखाना अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो, जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फील की चीज़ें होती क्या है, उसमें वर्ड कोई नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग में जो शुरुआत, जैसे ये अलाप है, तो दैट ध्रुपद में भी अलाप होता है, ख्याल में भी अलाप की थोड़ी कमी होती है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई जो ध्रुपद राग में अलाप होता है ना, अलाप होता है, वो संस्कृत सिलेबल्स का उपयोग किया जाता है मंत्रों का उच्चारण करने के लिए। अब ये दोनों जब आप इंडियन म्यूजिक पढ़ोगे ना तभी बना पाओगे, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, कॉमन सेंस ही बता देता है, ठीक है। एनीवेज क्वेश्चन एक मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया है बिकॉज आपको ये महसूस होता रहे कि आप जो पढ़ रहे हो ना वो काम की चीज़ है, बकवास नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो व्यक्ति जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसे एक्चुअली पता है कि सिविल सर्विसेज क्या होता है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ, जो भी कि नया सेगमेंट होता है वहाँ पे मैं पहले तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि वॉच दिस क्वेश्चन, और 2005 और 6 का क्वेश्चन, 12 का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं। नाउ सी, इस कहानी को जब हम शुरू करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, पहले तो क्लासिफिकेशन आपके सामने है। अब क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो नॉर्मल सी बात, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पहले देखो। ये इंडियन म्यूजिक की आप बात करते हो तो इंडियन म्यूजिक को स्प्लिट किया गया है क्लासिकल म्यूजिक में, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक एक, फोक म्यूजिक दो, एक फोक म्यूजिक मतलब क्षेत्रीय संगीत, तीसरा फ्यूजन म्यूजिक, मतलब क्लासिकल को और फोक को, क्लासिकल को और फोक को मिक्स कर दिया जाता है। इसे आप समझ लो एक तरीके का, आज के टाइम में रिमिक्स नहीं कहते हो, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्यूजन। लेकिन अब आजकल का रिमिक्स तो एकदम मतलब वो तो नौटंकी है ना, वो तो पता चलता है मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, ट्रेन छूट रहा है किसी का, वो रिमिक्स नहीं। फ्यूजन बेसिकली जो कहा जाता है, इस क्लासिकल को आप अगर आप फोक, क्लासिकल को और फोक को कंबाइन करते हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन म्यूजिक कहते हैं। तो ये तीसरा टाइप, और चौथा मॉडर्न म्यूजिक, जिसमें सारे खतरनाक शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, रॉक, चट्टान, पहाड़, भूत, घोस्ट, ऐसे ही नाम सुनने को मिलते हैं आपको। यू हैव दिस रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक, ट्रांस, जैज, एक रैप भी होता है जो आजकल आप लोग जिसके दीवाने बने हैं ना, ठीक है, वो मेरे घर आया मैं तो मतलब वो जो जिसमें बोलना नहीं, जो बीच में वर्डिंग्स होती हैं, जो लिरिकल नहीं होती है, स्टेटमेंट के रूप में होती है, दैट इज कॉल्ड रैप। तो रैप, रॉक, पैप, पॉप, जैज, ट्रांस, साइडेलिक, सबका डिफरेंस मैं तुम्हें बताऊंगा, बट यस, दिस इज द मॉडर्न म्यूजिक फॉर्म, ठीक है। सो कुल मिला के इंडियन म्यूजिक को अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, डिस्क्रिमिनेट कह रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट करते हो तो चार भागों में तोड़ सकते हो आप, ठीक है, क्लासिकल, फोक, फ्यूजन,
फ्यूजन का मतलब यहीं से समझना क्या होता है, अपना होशियारी मत दिखाना, अरे हाँ सर मेरे को पता है फ्यूजन का मतलब होता है। यस प्रियंका जल्दी आ जाए करो देवी क्लास में, डीजे रिमिक्स। हाँ देखो धीरेन्द्र ने कही दिया ना, ठीक है डीजे रिमिक्स, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो कोई फ्यूजन नहीं होता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ही आ गया ना कि फ्यूजन म्यूजिक क्या होता है, तो ये लिख के आना मासूमो, क्लासिकल और फोक म्यूजिक का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन म्यूजिक। क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक दोनों का कंबाइनेशन, दैट इज कॉल्ड, मतलब वन और टू को कंबाइन करोगे ना तो फ्यूजन बनता है। आज का डीजे रिमिक्स नहीं, ठीक है वो तो कुछ और ही है। एंड देन यू हैव दिस मॉडर्न म्यूजिक। तो चार भागों में आपने इंडियन म्यूजिक को तोड़ा। नाउ सी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फोक और फ्यूजन ये सब तो रटने वाली बातें हैं। देखो ये तो मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूंगा, फ्यूजन में थोड़ा सा और मॉडर्न वगैरह थोड़ा सा जानना चाहिए, होने वाले देश के राजपत्रित पदाधिकारी हो, रॉक और पॉप में डिफरेंस पता होना चाहिए, जैज क्या होता है ये पता होना चाहिए, रैप क्या होता है ये पता होना चाहिए। सिर्फ बैठ के चार बोतल वोट का काम मेरा रोज का, यो हनी सिंह, ऐसे करने से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर आप होने वाले गजेटेड ऑफिसर हैं तो आप में वो डिफरेंस भीड़ से जरूर दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखेगा तो आपको कोई क्यों सिलेक्ट करेगा। तो ये बातें तो मैं करूँगा, बट हमारे काम की जो सबसे ज़्यादा बात है ना वो एक क्लासिकल म्यूजिक पढ़ना थोड़ा सा, और फोक म्यूजिक के बारे में यहाँ पे तुम्हें फिर तोता बनना है। ये याद, जैसे फोक डांसेस थी ना वहाँ पे, फोक म्यूजिक भी यहाँ पे तुम्हें याद करना होता है। सो ये दो हमारे सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, और ये दो तुम्हें आदमी बनाने के लिए मैं बताऊँगा, ठीक है। ठीक है, मॉडर्न का नेम सुन के बॉम्ब गिर रहा है ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली 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 प्रीति लग्न, एग्जैक्टली वैसे ही होता है। नाइस टू सी यू इन दिस क्लास ऑल्सो, ऐसा ही है मॉडर्न, सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। मॉडर्न मतलब अब दिखते नहीं हो, देखो मैं क्या कहता हूँ, कल्चर इज द स्लेव ऑफ द सिचुएशन। अब ये बात म्यूजिक की ही नहीं है, जैसे तुम्हें म्यूजिक का नाम सुन के लगा ना कि गोलियां चल रही हैं AK-47 से, रॉक रैप जैज पॉप ट्रांस, ऐसे लग रहा है धाएं 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 धाएं, ऐसे लग रहा है। ये चीज़ हर लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में तुम्हें दिखेगी। जैसे म्यूजिक में तुम्हें क्या लगा, जैसे आज के मॉडर्न म्यूजिक का तुमने नाम सुना तो तुम्हें लगा कि गोली चल रही है, और एग्जैक्टली लग रहा है धाएं धाएं धाएं, रॉक रैप जैज पॉप ट्रांस, ऐसे लग रहा गोली चल रही है, ठीक है। आप देखोगे जीवन के हर पर्सपेक्टिव हर डायमेंशन में तुमको ये जो शोर है तुम्हें सुनाई देगा। फैशन में चले आओ, फैशन में चले आओ, ये तो म्यूजिक हो गया ना, फैशन में आओ, जीन्स को फाड़ देना, मजाक नहीं कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, भीड़ की तरह बातें करना नहीं, लॉजिकल बात करना सीखो। जीन्स को फाड़ देना, ठीक है, बाल को खड़ा कर देना, ठीक है, दाढ़ी को बढ़ा के जंगल बना लेना, ठीक है, बाल को काला नहीं लाल कर देना, हरा कर देना, ठीक है, कपड़े को फाड़ देना, ठीक है, नाक कान पेट सबको छेद देना, ठीक है, ये फैशन में भी तुम्हें वही शोर दिख रहा है। यस और नो, ठीक है, नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फैशन में भी तुम्हें वही शोर दिख रहा है जो अभी तुम्हें म्यूजिक में दिखा। यस और नो, ये सब क्या है, ठीक है। खाने में भी आ जाओ, खाने में आ जाओ जरा, ठीक है, खाने में भी तुम्हें वही शोर दिखेगा, खाने में भी इंडिया में तुम्हें वही शोर दिखेगा, खूब सारा मसाला, खूब सारी मिर्ची, ठीक है, खूब सारा तेल, खूब सारा नॉन वेज, खूब सारा अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है, ये खाने का नया फैशन है, ठीक है, ये शोर तुमको खाने में भी दिख रहा है। तुम वो बात समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। हर जगह तुम्हें शोर दिख रहा है। सोशियोलॉजी के लैंग्वेज में कहते हैं दैट दिस इज द साइन ऑफ एन अनस्टेबल सिविलाइजेशन, दिस इज द साइन ऑफ अ सोसाइटी विच इज एक्चुअली गेटिंग वेरी लाउडर बिकॉज ऑफ द एन नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स डिलेमास एंड इज एक्चुअली हाईली अनस्टेबल। इस प्रकार के समाज को अस्थिर समाज कहा जाता है, और समाज का हिस्सा ही संस्कृति है। तो संस्कृति के समाज जिंदगी के हर पहलू में तुम्हें वो डिसबैलेंस देखने को मिलेगा, और वही चीज़ जैसे म्यूजिक में तुम्हें धाएं 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 सुनाई दिया ना, एक्चुअली अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हर चीज़ तुम्हें वैसी दिख रही है, ठीक है। खाने में भी वही अजीब सा शोर दिख रहा है तुम्हें, म्यूजिक में भी वही शोर दिख रहा है, ठीक है, व्हेन यू आर ड्रेसिंग वही शोर दिख रहा है, रिश्तों में आ जाओगे वही शोर दिखेगा।
ठीक है। तो ये अनस्टेबल सोसाइटी का एक मतलब है, साइन है, ये सब हंसी मजाक करने वाली बातें नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो हम शुरुआत करेंगे अपनी हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक को फर्दर, जैसे चार भागों में म्यूजिक को तोड़ा गया ना, क्लासिकल, फोक, फ्यूजन एंड मॉडर्न। क्लासिकल को फर्दर दो भागों में तोड़ा गया, हिंदुस्तानी स्टाइल, ये नॉर्दर्न नॉर्थ इंडिया की बात आप कर सकते हो, हिंदुस्तानी स्टाइल, एंड कार्नेटिक स्टाइल इज बेसिकली साउथ इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक, इज कॉल्ड द कार्नेटिक म्यूजिक। सो नॉर्थ में उसे हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ द म्यूजिक ही कहते हैं, और साउथ वाले क्लासिकल म्यूजिक को आप कार्नेटिक स्टाइल ऑफ द म्यूजिक कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम कहानी को अपनी शुरू करते हैं। बिफोर गेटिंग इन टू दिस, ठीक है, थोड़ा सा ओरिजिन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को पहले, ठीक है। कल्चर इज द फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, धीरेन्द्र बाबू एक लाइन कार्ल मार्क्स का पढ़ लेने से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों बन जाते हो तुम लोगों में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, कल्चर इज द फोर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक स्टेटमेंट है जो तकरीबन आप कह सकते हो कि कार्ल मार्क्स का कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स की हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का सिद्धांत इसे कह सकते हो, दैट इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है, दैट इज नॉट एवरीथिंग, राइट, एग्जैक्टली सर। और जो लोग ये फैशन फॉलो नहीं करते उनको स्टूपिड समझा जाता है, घबराओ मत छेलो, उनको स्टूपिड नहीं समझा जाता है, ठीक है। वो कुछ खुद लोग ऐसे कुछ ही लोग हैं जो अपने आप को हीरो समझते हैं, बाकी ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं जो उनको स्टूपिड समझते हैं। डोंट हैव दिस काइंड ऑफ द फीलिंग दैट तुम्हें कोई स्टूपिड समझता है, सवाल ही नहीं उठता ना, स्टूपिड हम बड़े दोहरा, अपन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेंस में जब जाओगे तो इस प्रकार का एनालिसिस तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए, हम बहुत डुअल कैरेक्टर वाले इंसान हैं, ठीक है। कास्टिज्म, चलो कास्टिज्म पे एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ तुम्हें, जातिवाद भारत में किस तरीके से घुसा हुआ है, ट्राई टू सी दिस, और इसकी हकीकत क्या है जरा वो भी समझो, ठीक है। मान लो एक अपर कास्ट है तो नॉर्मल बात से ये लोअर कास्ट को बुरी नज़र से देखेगा, ठीक है, बहुत सारा अनटचेबिलिटी वाला कंसेप्ट भी होता है, ठीक है। अब लेकिन एक लोअर कास्ट का बच्चा डीएम बन गया, ठीक है, अब इस डीएम, अब ये डीएम बन के अपर कास्ट के यहाँ गया, ठीक है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी हकीकत है, ये हमारी हकीकत है, ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंडियन प्रेजेंट डे सोसाइटी, ठीक है, नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी, वी हैव दैट डुअल कैरेक्टर, राइट, इसको एक्सेप्ट करने में तुम्हें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम अगर होगी ना तो इंटरव्यू में तुम्हारे नंबर कम आएंगे, इंटरव्यू में तुम्हारे नंबर कम आएंगे, अगर आप अपनी हकीकत नहीं समझते हो तो आप देश क्या खाक चलाओगे। नाज, वालेकुम सलाम, अब क्लास में थोड़ा ध्यान दो, बहुत लेट आई हो तुम क्लास में, ठीक है। एनीवेज, चलिए, सो थोड़ा सा पहले म्यूजिक में आते हैं, म्यूजिक में आते हैं। गंधर्व वेद, आप जानते हो चार प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और बेसिकली अथर्व वेद, तो इसमें गंधर्व वेद तो कहीं पढ़ा ही नहीं होगा तुम लोगों ने, ठीक है। सो गंधर्व वेद क्या है, गंधर्व वेद उपवेदों की भी तो बात की जाती है ना, अगर आप लोगों ने एंशियंट इंडिया पढ़ा, मेरे से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई प्लस पे तो मैं ही पढ़ाऊंगा, यहाँ भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो उपवेदों की भी बात की जाती है, चार उपवेदों की भी बात की जाती है, उसमें से एक उपवेद गंधर्व वेद होता है। गंधर्व वेद इज एक्चुअली द उपवेद जो सामवेद का हिस्सा है, सामवेद जो म्यूजिक जो वेद है ना, जो वेदास ऑन द म्यूजिक, दैट इज कॉल्ड सामवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होता है। और गंधर्व वेद बेसिकली इसमें, ठीक है, इसको साइंस ऑफ द म्यूजिक कहा ही जाता है। अगर एक क्वेश्चन आए कि विच इंडियन एंशियंट लिटरेचर इज सपोज टू बी द साइंस ऑफ द इंडियन म्यूजिक, टिक करके आना या तो सामवेद, सामवेद नहीं, गंधर्व वेद। सामवेद तो बेसिकली लिरिकल फॉर्म में ऋग्वेद को डिनोट किया गया है। सो गंधर्व वेद वो उपवेद है जिसको संगीत का विज्ञान कहा जाता है भारत में, एंड इज द पार्ट ऑफ द सामवेद, ठीक है। और वैदिक पीरियड की ये बात हो गई, वैदिक पीरियड की बात होने का मतलब क्या है, ये सारी बातें 1500 से लेकर 600 BC के बीच की बातें हैं। तो अच्छा, अब जब तुम पढ़ते हो वैदिक लिटरेचर, अपने अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा
वेद के अलग अलग हिस्सों की बात की जाती है। वेद जिसको बेसिकली कैनोनिकल टेक्स्ट कहा जाता है, तो अरण्यक फॉरेस्ट टेक्स्ट, अरण्यक की बात की जाती है, ब्राह्मण की बात की जाती है, उपनिषद की बात की जाती है। ये सब अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एंशिएंट इंडिया पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, बट दीज आर द एंशिएंट वैदिक लिटरेचर्स अलग अलग प्रकार के। तो उनमें कहाँ कहाँ संगीतों की किस प्रकार चर्चा है, जैसे यू हैव वन ऐत्रेय अरण्यक, इसमें संगीत की चर्चा की गई है। सीधा क्वेश्चन आएगा और घुलट जाओगे तुम लोग, ठीक है। जैमिनी ब्राह्मण, ब्राह्मण ये जो अरण्यक है, ब्राह्मण है, उपवेद है, सब क्या है, सब वैदिक साहित्य है। पता है तो ठीक है, नहीं पता है एज इट इज लिखना है अपनी कॉपी में, जब एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे तो इनके बीच का डिफरेंस मैं बताऊंगा, दैट अरण्यक ब्राह्मण उपनिषद इन सब में क्या अंतर होता है। अच्छा, ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण में संगीत की चर्चा की गई है, जैमिनीय ब्राह्मण, इसमें जैमिनीय ब्राह्मण इसमें डांस और म्यूजिक दोनों की चर्चा की गई है, ठीक है। किस उपवेद में, गंधर्व वेद, ये एक उपवेद है। किस वेद का हिस्सा है, सामवेद का हिस्सा है। किस अरण्यक में संगीत की चर्चा मिलती है, ऐत्रेय अरण्यक में। पाणिनी का नाम क्यों दिया गया है, पाणिनी के बारे में सुना है ना, अष्टाध्यायी का नाम सुना है, फेमस ग्रामेरियन पाणिनी, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है जो संस्कृत ग्रामर की सबसे महान पुस्तक और प्राचीन पुस्तक मानी जाती है, द नेम ऑफ द बुक इज अष्टाध्यायी, पाणिनी। तो कहा यह जाता है गाइस, ठीक है, पाणिनी के बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि भाई समवेयर डाउन द लाइन, राइट, पाणिनी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कोशिश की थी, ठीक है, इन्होंने कोशिश की थी कि भाई म्यूजिक को ये एक एक फॉर्मल रूप दे, मतलब म्यूजिक पर, आर्ट ऑफ द म्यूजिक को पाणिनी ने बेसिकली, ठीक है, आर्ट ऑफ द मेकिंग म्यूजिक को फॉर्मलाइज करने की कोशिश पाणिनी ने की थी। पाणिनी का अगर टाइम मैं आपको बताऊं तो नंदवंश का टाइम, नंदवंश के समकालीन थे, नंदवंश के बाद मौर्य वंश आते हैं, अगर एंशियंट का थोड़ा सा भी ज्ञान है, ठीक है, तो नंदों के बाद मौर्य आते हैं। नंदवंश 326 BC में अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है, इस आक्रमण के समय पहले ये नंदवंश का टाइम है। इसी नंदवंश के दौरान पाणिनी हुआ करते थे, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर की सबसे प्राचीन पुस्तक लिखी थी, दैट वाज अष्टाध्यायी। इन्होंने कोशिश की थी संगीत को रिवाइव करने की, ठीक है, संगीत को पर एक फॉर्मल लिटरेचर जनरेट करने की, लेकिन ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कि इस काम का भी क्रेडिट बेसिकली, ठीक है, क्रेडिट थ्योरेटिकल म्यूजिक को थ्योरेटिकली इंटरप्रेट करने की इन्होंने कोशिश की जरूर थी, लेकिन इसका श्रेय भी बेसिकली भरत मुनि को ही जाता है। डांस में भरत मुनि का नाम मैंने आप लोग को बताया था ना, इसका श्रेय भी, मतलब म्यूजिक को थ्योरेटिसाइज करना, मतलब उसको थ्योरी का रूप देना, इसका श्रेय भी बेसिकली भरत मुनि को ही जाता है। नाट्य और संगीत दोनों को फॉर्मली थ्योरेटिकल रूप में लाना, भरत मुनि, और किताब कौन सी थी, नाट्यशास्त्र। पाणिनी को क्रेडिट इस काम का नहीं दिया जाता है, समझ में आ रही बात। तो ये पाणिनी और नाट्यशास्त्र यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये बात समझ गए। जैमिनी ब्राह्मण, ऐत्रेय अरण्यक और गंधर्व वेद यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, एक बार मेरे को जल्दी से बताओ, ये सारी बातें समझ गए। इस रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिक के बारे में थोड़ी सी ये बातें आप लोग याद रखिएगा, एज इट इज क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है, जल्दी से बता दो। ओके की रिपोर्ट है तो ओके की रिपोर्ट दे दो। ऑल क्लियर, ठीक है, चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। ये वही स्लाइड है, डोंट वरी, इट्स द सेम थिंग, राइट। हिंदुस्तानी म्यूजिक में जब आते हो ना, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में जब आते हो तो कुछ बातें आप लोग और ध्यान रखिएगा, लाइक व्हाट, कुछ वर्ड्स, कुछ कैनोटेशंस, जैसे आप ये जो कहते हो सात तालों की बातें हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, 3, 2, 5 या 7, ये जो सात आप कहते हो ना, कुछ वर्ड्स है जो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, जिसे सरगम कहते हो आप, सरगम या सप्तक भी कहा जाता है इसे, सप्तक या सरगम,
सारे गामा पादानी, ठीक है, उसके बाद रिपीट होता है सारे गामा पादानी सा, ठीक है। सो इसको आप नोट्स कहते हो, स्वर कहते हो, स्वर, ठीक है। कुछ वर्ड याद रखना आप लोग, दीज आर कॉल्ड स्वराज, सात स्वर, सात स्वर, ठीक है। इसमें 22 नोट्स होते हैं, लेकिन वो सब बातें छोड़ो आप लोग, ठीक है। सात सरगम सप्तक, ठीक है, सात स्वर कहे जाते हैं, इसका अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन मैंने बार बार बोला है आपको म्यूजिशियन नहीं बनना है, आपको बस स्वर का मतलब पता होना चाहिए, सात ध्वनियां, सरगम सप्तक, इस शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। डोंट गेट इन टू दिस, बहुत इसके अंदर में अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सरगम से ही बेसिकली राग बनता है, राग बनता है, इसी सुरों से राग बनता है। अब बिना मतलब के ना, फिर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि बिना मतलब के ना अंदर घुस के, ये मोटी मोटी रामायण महाभारत में ना रागों के प्रकार, सरगम के बेसिकली 2200 नोट्स, ये सब बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत करना, बस राग का मतलब बना होना चाहिए, ठीक है, कि भाई सरगम से ही राग बनता है, ठीक है। सो उससे आप राग बनाते हो, समझ में आ रही बात, सरगम से बेसिकली राग बनता है, ठीक है। संगीत में भी, नृत्य में जो रसों की बात की गई थी, वो रस संगीत में भी होता है, वो रस संगीत में ध्वनि में भी वो सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। कितने रसों की बात हमने की थी नृत्य में, जरा बताना तो कमेंट सेक्शन में लिख के। हाँ, फूफा नहीं बनना, एकदम मीत सही कह रहे हो, ठीक है, कोई फूफा नहीं बनना भीमसेन जोशी का, ठीक है, तानसेन नहीं बनना, बस स्वर क्या होते हैं, सप्तक किसे कहते हैं, सरगम क्या होता है, सरगम से राग बनता है, रस संगीत में होता है नहीं होता, इसे पता होना चाहिए बस। 9 रसों की बात की गई थी ना, तो ध्यान रखना आज के बाद, रस नृत्य में भी होता है और रस, ठीक है, संगीत में भी होता है, और सेम होता है दोनों, एकदम सेम, वही 9 रस संगीत में भी बात की जाती है। श्रृंगारम याद है ना, श्रृंगारम, ठीक है, हाँ ठीक है, 999 एकदम सही बात है। सो कहने का मतलब वही है कि अगर एक रोमांटिक गाना है, ठीक है, तो आवाज भी रोमांटिक होनी चाहिए। रोमांटिक गाना जैसे कैसे होता है कि मैं किसी पर्टिकुलर तरीके से, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं एक पर्टिकुलर तरीके से बोलता हूँ, तुम मुझे देख नहीं भी रहे हो ना, तो तुम कह देते हो ना, सर बहुत खुश लग रहे हैं, सर बहुत दुखी हैं, सर क्यों इतना भारी आवाज़ है, तबीयत आपकी ठीक नहीं है क्या, मतलब बिना किसी को देखे हुए उसकी आवाज़ को सुन के तुम बहुत प्रकार के कंक्लूजन्स निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, यस और नो, यस और नो। एकदम हास्य रस होता है, एकदम हास्य रस होता है, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार वो घुसत जाता हम हटत जाता, अरे ना 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 ना, सुनाएगा ना ये हास्य रस, एक चतुर नार पड़ोसन पता चल जाता है ना, ठीक है। सो पता चल जाता है, दैट इज कॉल्ड रस, वो रस वाला एलिमेंट है। अब जैसे सोनू निगम मान लो गा रहा है कि भाई जो कल हो ना हो, ठीक है, कल हो ना हो सोनू निगम गा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि उस समय हनी सिंह गा रहे हैं, चार बोतल वोट का काम मेरा रोज का, वो वाला एक्सप्रेशन इस गाने में नहीं आना चाहिए ना। ये एक चतुर ना, ये गाना तुम लोगों ने नहीं सुना है, तुम लोगों ने जीवन में कुछ किया कहाँ है, तुम लोगों का जीवन तो मोबाइल में खत्म शुरू हुआ है और मोबाइल में ही खत्म हो चुका है, तुम लोग अभी जानते क्या हो यार। पड़ोसन फिल्म का नाम सुना है, सुनील दत्त एंड दिस शायरा बानो, अपने समय की करीना कपूर, ठीक है, पूरब और पश्चिम है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, सुना है, मनोज कुमार पूरब और पश्चिम, ठीक है, ऑन स्क्रीन 1960s का वो टाइम था, शायरा बानो, जब घर की लड़कियों को एक्ट्रेस बनाना भारत में बुरा माना जाता था, ऑन स्क्रीन ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करती थी वो, सी वॉज द अहेड, शायरा बानो दिलीप कुमार की वाइफ, ठीक है, बहुत बोल्ड कलाकार थी। तो इसी पड़ोसन फिल्म के बारे में नहीं सुना है, देखना, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी मूवीज इन द कॉमेडी जेनर ऑफ द बॉलीवुड, ठीक है, उसी में एक तरह गाना है, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार वो घुसत जाता हम हटत जाता, अरे ना ना ना, ये करके, तो ये हास्य रस कहा जाता है। अब हास्य रस गाया जाए, ठीक है, मान लो, तो उस समय, अब जैसे इसमें वो आवाज़ तुम्हें दिखनी चाहिए, सुनाई, जैसे तुम सुन के मुझे कहते हो कि हाँ सर लग रहा है कि सर गुस्साए क्यों हो, आवाज़ से ही लग जाता है, दैट इज कॉल्ड रस। तो वो रस नृत्य में भी होता है, वो, हाँ महमूद, एग्जैक्टली वैदेही, ठीक है, मनीषा,
सुना है सर बहुत बार, मनीषा, यस महमूद, ठीक है। तो वो रस नृत्य और संगीत दोनों में होता है, उन नौ रसों को आवाज में भी, सुरों में भी ढूंढा जाता है, उसको आपके नृत्य के तांडव और लस्य में भी देखने की बात की जाती है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। सो स्वर सप्तक, सरगम, स्वर, राग, नृत्य, सॉरी रस, ये सारी बातें, इनका थोड़ा बेसिक मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। हाँ अच्छा, उसके बाद एक और शब्द है, जैसे इसको लिखते रहना तुम लोग, ठीक है, सबको लिखते रहना। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, यस मैग्नेट, वेरी नाइस। आई हैव परफॉर्म्ड ऑन दिस सॉन्ग इन माई कॉलेज फंक्शन, सो नाइस सोनम, ठीक है, सो नाइस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, यस सही बात है। अच्छा ये भी तो शायद उसी फिल्म का गाना है ना, कहना है कहना है, आज तुमसे पहली बार तुम ही तो लाई हो मेरे जीवन में प्यार प्यार प्यार, आई गेस ये भी पड़ोसन का ही गाना है, गाने बड़े अच्छे हैं, ठीक है। ओ मेरी प्यारी बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु भी तो उसी का गाना है। सुपर डुपर हिट मूवी, म्यूजिकल हिट, सुपर कॉमेडी, मतलब एग्जाम्पलरी मूवी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। राधा सर इस पिंकी को ढूंढ रहे, अरे पिंकी आ गई क्या, प्लीज पिंकी कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, गली गली कूची कूची हर जगह ढूंढा तुम्हें मैंने, तुम कहीं नहीं मिली मुझे पिंकी, और तुम अभी भी नहीं दिख रही हो मुझे। प्रीति निशी, मेरे सामने वाली खिड़की में, यस सर ऑल राइट, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरी प्यारी बिंदु, यस एनीवेज चलो। उसके बाद ये सब थोड़ा सा शब्द वब्द याद रखना, ठीक है, ओरिजिन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद ताल भी, सुर और ताल, देखो ये जो स्वर है ना, ये राग, ठीक है, ताल की भी एक बात की जाती है, वॉच दिस ऑल्सो, ठीक है। पिंकी नहीं बोल रही, छोड़ो खुद ही बोलेगी। ताल भी एक वर्ड है, ताल से ताल मिला, ठीक है, ये ताल भी एक वर्ड होता है, ताल और थाट, ये दो शब्द याद रखिएगा, ताल और थाट, ये दो टर्म और याद रखते हैं। ताल मतलब बेसिकली जो बीट्स को ग्रुपिंग, जो बीट्स की, बीट्स जो होता है ना, बीट्स, ठीक है, बीट्स की जो बेसिकली आप एक ग्रुपिंग करते हो, ग्रुपिंग ऑफ द बीट्स, ग्रुपिंग ऑफ बीट्स इज कॉल्ड ताल, ठीक है। ताल से ताल मिला, सुर और ताल जरूर मिलनी चाहिए। मेरा जीवन काला कागज गाना, ये देखिए मैं संयुक्ता, मतलब तुम लोग ना क्या बताऊं, मेरा जीवन काला कागज गाना नहीं है, मेरा जीवन कोरा कागज, और वो कटी पतंग का गाना है, उसमें आशा पारेख और राजेश को, राजेश खन्ना है, मेरा जीवन काला कागज, हे भगवान। तुम लोगों को देख के ना यार, मतलब तुम लोग ना, तुम लोग इस नस्ल के होते चले जा रहे हो ना, कि ऐसा लगता है कि तुम लोगों की बातों से कि तुम लोग भारत के हो ही नहीं। यू नो जिस गाने के बारे में तुम कह रही हो ना, ठीक है, वो एक आइकॉनिक गाना माना जाता है इन द लाइफ ऑफ द किशोर कुमार, एंड वो एक आइकॉनिक मूवी का है, कटी पतंग, ठीक है, अपने समय के सुपरस्टार के द्वारा गाया जा रहा है, ठीक है। मेरा जीवन कोरा कागज, मेरा आज तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, चुप हो जाओ, बहुत बहुत गाना वाना गा लिया, चलो हटाओ। एनीवेज ताल और थाट का मतलब थोड़ा मैं समझा दूं, ग्रुपिंग ऑफ द बीट्स इज कॉल्ड ताल, थाट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तालों को अलग अलग क्लासीफाई जब कर दिया जाता है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ द राग, अलग अलग रागों को, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द राग, क्लासिफिकेशन ऑफ राग इज कॉल्ड, रागों का जो वर्गीकरण होता है ना, उसको आप थाट कहते हो, और ताल तो आप समझ रहे हो ताल क्या होता है, ठीक है। सो ये कुछ वर्ड याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा एक बात और, जब आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हो ना, तो इसमें छह मुख्य रागों की बात की जाती है, सिक्स मेन रागास। जब आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हो तो यू टॉक अबाउट द सिक्स मेन, गाइस शांत रहो प्लीज, हाँ ये साम मस्तानी, अब चुप जाओ मधोज की, ठीक है, हाँ मधोज किए जाए मुझे दूर, कोई खींचे तरी और लिए जाए, ठीक है, एग्जैक्टली ऑल राइट गाइस लिसन, बहुत हंसी मजाक हो रहा है, अब चुप हो जाओ प्लीज, ठीक है।
तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की आप बात करते हो ना, तो यू टॉक अबाउट द सिक्स मेन रागास। थोड़ा सा ना इसका नाम लिख लेना आप लोग, क्योंकि इसका संबंध समय से और सीजन से होता है। जैसे एक राग भैरव की बात करते हैं, राग भैरव, ठीक है, राग भैरव का जो भोर का समय होता है ना, उससे इसका संबंध होता है। देन यू हैव दिस राग हिंडोल, ये लिखो चुपचाप, राग हिंडोल, इसका संबंध मॉर्निंग से होता है, डॉन का मतलब भोर, राग हिंडोल। यू हैव दिस, देन यू हैव दिस राग दीपक, दीपक राग, तानसेन को इसके लिए जाना जाता था, ठीक है, इस ये रिप्रेजेंट करता है रात को, नाइट, ठीक है, राग दीपक। देन यू हैव दिस मेघ, राग मेघ, समझ रहे हो, मेघ का संबंध किससे होना चाहिए, मेघ का संबंध लेट नाइट से होता है, ये स्टेट पीसीस में पूछ दिया जाता है गाइस, ठीक है। देन यू हैव दिस राग श्री, श्री राग का संबंध इवनिंग से होता है। एंड यू हैव दिस मेघ मालकोश, इसका संबंध बेसिकली मिडनाइट से होता है। तो ये प्लीज थोड़ा सा लिख लेना आप लोग, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं ना, ठीक है, तो यू हैव द सिक्स मेन रागास, छह मुख्य रागों की बात करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, राग भैरव, इसका संबंध भोर से होता है, राग हिंडोल, इसका संबंध, राग भैरव हो गया, हिंडोल का संबंध सुबह से होता है, राग दीपक, इसका संबंध रात से होता है, राग मेघ, इसका संबंध लेट नाइट से होता है, राग श्री, इसका संबंध शाम से होता है, एंड दिस रेग राग मालकोश, इसका संबंध मिडनाइट से होता है। ये छह मुख्य रागों के नाम जरूर आप लोग याद रखना गाइस, ठीक है, सना छह मुख्य राग क्या लिखा हुआ है, तुम लोग मटर गस्ती करने में इतना ऑक्यूपाई हो गए हो ना ये सामस्तानी करने में, कि मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोग को कुछ समझ में। लास्ट वाला दिव्या मालकोश, मालकोश फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं, कलर चेंज करके लिख देता हूं, मालकोश, ठीक है, मिडनाइट के संबंध ये राग होते हैं, ठीक है। छह मुख्य रागों की बात करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये वही है, थोड़ा सा याद रखना, इनका संबंध या तो ऋतुओं से होता है या तो समय से होता है। राग भैरव, राग हिंडोल, राग दीपक, अब छोड़ो वो, मतलब राग बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, राग मेघ, राग श्री, राग मालकोश, इनका संबंध डॉन, मॉर्निंग, नाइट, लेट नाइट, इवनिंग, मिडनाइट, इनसे होता है, ठीक है, याद रखना प्लीज, लिख लेना चुपचाप इसे, बहुत ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अब राग मत सीखने लगना, ठीक है। सो कुल मिला के छह मुख्य रागों की मैंने तुम्हें बात बताई, इंडियन म्यूजिक के ओरिजिन की मैंने तुम्हें बात बताई, इंडियन म्यूजिक से जुड़े हुए कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हमने देखे। अच्छा एक और वर्ड गाइस, हाँ ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हमने देखे कि बेसिकली सप्तक क्या, सरगम क्या होता है, ताल क्या होता है, सुर क्या होता है, राग क्या होता है, कितने मुख्य राग होते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, छह मुख्य राग, उनका संबंध किससे होता है, ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। ऑल राइट, ठीक है, नाउ सी, हिंदुस्तानी म्यूजिक अगर आप क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हो तो वो तीन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल की बात करते हो तो तीन क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हो। यू टॉक अबाउट द द्रुपद, ठीक है, यू टॉक अबाउट, इसी से संबंधित ये क्वेश्चन था 2012 वाला, यू टॉक अबाउट द ख्याल, ये भीमसेन जोशी का पहचान रहे हो, और ये बड़े ये वो हैं गुलाम अली साहब, बड़े गुलाम अली साहब, हंगामा है क्यों बरपा, गुलाम अली का नाम सुना है, मैं तुम लोग क्या सुनोगे, तुम लोग तो ठीक है यो यो हनी सिंह की कल्चर हो। गुलाम अली का गजल सुना है किसी ने, जगजीत सिंह तो नहीं रहे, ठीक है, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं तोड़ा करते, टूटा करते, वक्त की साख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, दैट वॉज जगजीत सिंह, ठीक है, तमन्ना फिर मचल जाए जो तुम मिलने आ जाओ, ठीक है, दैट वॉज जगजीत सिंह, राइट। अरिजीत सिंह का कल्चर है तो वो तो ये करता रह जाएगा, ठीक है, तुम ही हो, यही करता रह जाएगा अरिजीत सिंह, एनीवेज छोड़ो, खैर मैं कमेंट नहीं कर रहा। गुलाम अली साहब गजलों की बात करोगे ना, गुलाम अली ठुमरी के लिए भी जाने जाते हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में म्यूजिक के। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द म्यूजिक, ठीक है, तो गुलाम अली साहब गजल की कैटेगरी में एक बहुत बड़े नाम है,
जैसे कुछ बहुत बड़ा गाना इनका है, बहुत पॉपुलर भी है, पता नहीं तुम लोगों ने, हंगामा क्यों है बर्पा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, ये गाना नहीं सुना है? क्या क्या है जिंदगी में तुम लोगों ने, ठीक है, कोई फरियाद, हाँ वो चलो थैंक गॉड कुछ तो बताया तुमने, ठीक है। एनीवेज, तो ख्याल, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की जब आप बात करोगे ना, ठीक है, तो तीन नाम आते हैं, ठीक है, एक ख्याल जो भीमसेन जोशी, ये बड़े गुलाम अली साहब है, इनका गाना नहीं है ये, जो हंगामा है बर्पा, ठीक है, ये छोटे गुलाम अली, मतलब गुलाम अली जो अभी वर्तमान के हैं, ठीक है, ये बड़े गुलाम अली साहब है, ये भीमसेन जोशी, दूरदर्शन पे इनका वो गाना किसी ने देखा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये भीमसेन जोशी, मतलब ख्याल म्यूजिक के कंटेम्प्ररी या मॉडर्न, ठीक है, आप कह लो कि करता धरता भीमसेन जोशी, ठीक है, किरण घराने से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के, बताऊंगा सारी बातें, एज इट इज क्वेश्चन आता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, प्रथम मैं देख रहा हूं तुम्हें भी और मैं देख रहा हूं सैम को भी, ऐसा मत समझना कि मैं देख नहीं रहा हूं, होश वालों को खबर बेखुदी की अच्छी से, एग्जैक्टली दैट इज अजीत सिंह। एनीवेज गाइस, सुनो, व्हेन यू टॉक अबाउट द हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, तो अब तीन नाम याद रखना है आपको, दैट इज ख्याल, ठीक है, देन यू हैव दिस तराना स्टाइल, ठीक है, तराना स्टाइल और द्रुपद, द्रुपद, तो पहली शुरुआत हम द्रुपद से करते हैं। एंशियंट, सबसे एंशियंट क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म एक्चुअली द्रुपद है, द्रुपद, ठीक है, मंदिरों में गाया जाता था, क्वाइट डिवोशनल, एब्सोल्यूटली डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक, ठीक है, हालांकि एंशियंट टाइम्स में ये काफी ग्रो हुआ, मंदिरों में टेंपल कल्चर से जुड़ा हुआ था, लेकिन मुगलों के दौरान, ठीक है, अकबर के शासनकाल में ये अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा था, ठीक है, कहते हैं कि अकबर द्रुपद राग का बहुत बड़ा दीवाना था, और उसके दरबार में आप लोगों ने नाम तो ये सुना होगा ना, अकबर के नवरत्नों में एक नाम तानसेन का भी था, अकबर के नौ, इस पर तो हालांकि डाउट है, लेकिन ये बात भी, बैजू बावरा की बात, ही ऑल्सो सैंग इन द कोर्ट ऑफ द अकबर, ये लोग तानसेन हो गए या बैजू बावरा हो गया, दे वेयर एक्चुअली द ग्रेट पैटर्न्स ऑफ दिस द्रुपद राग, मतलब द्रुपद राग के बारे में एक बात कही जाती है कि ये अकबर के शासनकाल में, अकबर का शासनकाल अगर तुम्हें याद हो किसी को, तो 1556 से लेके 1605, इस दौरान द्रुपद राग सबसे अधिक विकसित अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा था, ठीक है, अलग अलग घराने होते हैं, जैसे बिहार में भी दो तीन घराने हैं, बिहार एक्चुअली द माई नेटिव स्टेट, दरभंगा घराना, ठीक है, बेतिया घराना, मेरे घर से बेसिकली 70 किलोमीटर की दूरी पर बेतिया महाराज हुआ करते थे, तो बेतिया घराना, मिश्राज, मिश्रा होता है ना, मिश्रा, अमित मिश्रा, मिश्रा जो टाइटल है ना, मिश्रा कम्युनिटी बेसिकली द्रुपद राग के लिए जानी जाती थी बेतिया घराना में, तो ये ध्यान रखिएगा, खास करके बीपीएससी वाले तो बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, दरभंगा घराना भी द्रुपद राग को इसका बहुत बड़ा सानिध्य मिला था, डागरी घराना, इसमें इंपॉर्टेंट बात गाइस याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, द्रुपद राग में वन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है, दैट दिस इज, तस्वीर मैं दिखा रहा हूं ना आप लोगों को, दिस इज गुंडेचा ब्रदर्स, ठीक है, ये जो डागरी घराना है ना, डागरीज बेसिकली मुस्लिम हुआ करते थे, डागरीज मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन ये हिंदू डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक द्रुपद राग को बहुत ज्यादा इन लोगों ने इनकरेज किया था, डागरीज, ये डागरी जो तस्वीर आप लोग देख रहे हो ना, ये डागरी ब्रदर्स, मैं तो गुंडेचा ब्रदर्स नाम लिख लेना इनका, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब वही क्वेश्चन है जो तुम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे पढ़े, गुंडेचा ब्रदर्स कि डागरी घराना को ही बिलोंग करते थे, डागरीज बेसिकली वो मुस्लिम हुआ करते थे, ठीक है, वो मुस्लिम हुआ करते थे जो हिंदू टेक्स्ट, हिंदू गॉड्स वगैरह को पूजते थे, और द्रुपद राग को इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था, सो इससे डागरी घराना आया, इसी से ये गुंडेचा ब्रदर्स हैं, द्रुपद राग को बहुत ज़्यादा प्रमोशन, इनकरेजमेंट इनसे मिला था, ठीक है, और अब द्रुपद राग पे इस क्वेश्चन पे आ जाओ तुम लोग जरा, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, जरा आंसर बता दो मेरे को पढ़ के जल्दी से, और क्लास को खत्म करना है फिर। गुंडेचा ब्रदर्स का नाम द्रुपद में याद रखना, राग ख्याल पे बाद में आएंगे, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को पहले बता दो, अब जो मैंने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से,
सबसे पूछ रहा हूँ मैं, कोई एक्सेप्शनल नहीं है, सैम बाबू और प्रथम को छोड़कर, इन दो लोगों का हिसाब किताब मैं करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। हमें सबसे बड़ी गलती पता है हमसे गाइस क्या होती है, हम अपने आप को ज़्यादा होशियार समझने लगते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, रिक्वेस्ट टू एवरीवन एक्सेप्ट सैम एंड दिस प्रथम, ठीक है? बी खुश हो गए ना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ये पता है ना, जिन क्वेश्चंस को लेके तबाह रहते हो। द्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन राजपूत किंगडम्स ड्यूरिंग द मुगल्स, गलत बात है, अकबर के समय तो डेवलप हुआ, लेकिन राजपूत किंगडम तो अलग ही है ना। राजपूतों का पीरियड भारत में माना जाता है 1000 से लेके 1200 AD का पीरियड, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया, और मुगलों का पीरियड 16th century है, ये तो उसी समय गलत हो गया था। द्रुपद इज प्राइमरली स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल म्यूजिक, एकदम सही। द्रुपद अलाप यूजेस संस्कृत सिलेबल्स फॉर मंत्रास, गलत बात, ये गलत बात है, ठीक है? मंत्रों का उच्चारण कुछ नहीं किया जाता। अलाप क्या होता है समझ रहे हो ना, अलाप के बारे में भी एक लाइन लिख लेना, ठीक है? अलाप वो शुरुआती समय में, ठीक है, किसी ताल को, किसी सुर को शुरू करने से पहले वर्डलेस जो रिसाइटेशन, जो वर्डलेस सुर होता है, शब्द उसमें नहीं बोले, जिसमें ऐसे करके बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड अलाप। द्रुपद राग में वो सबसे अधिक होता है। आगे चल के जब मैं तुम्हें ख्याल पढ़ाऊंगा ना, ख्याल में जो बंदिश ज्यादा होती है, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी बंदिश, ठीक है, बंदिश ज्यादा होती है, अलाप कम होता है, लेकिन द्रुपद में अलाप बहुत ज्यादा होता है। सो इसमें कोई मंत्र वंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता था, ठीक है, एक स्पिरिचुअल और डिवोशनल म्यूजिक फॉर्म है। सो डेफिनेटली आंसर हैज टू बी ओनली व्हाट, खुशी थोड़ी मिल रही है क्वेश्चन बनाकर। यस राधा, इज अलाप। यस देवेंद्र मिश्रा साहब, क्या डाउट है? छोड़ो, टाइम हो गया, अब डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछना गाइस, ठीक है? पंकज सर की क्लास का टाइम हो गया है, सो आई गेस आई शुड लीव नाउ, ठीक है? जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, एंड होप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक लग रहा है कि मतलब क्वेश्चन वगैरह आएगा, तो अब थोड़ा आर्ट एंड कल्चर में आप लोग कर पाओगे, ऐसा फील हो रहा है। अब 17-18 क्लासेस करके बैठ गए हो, ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ लगता है कि हाँ, अब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस मैं हैंडल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, हाँ आनी चाहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? और ये कुछ बातें ध्यान रखना, मेरा कोड सबको याद रहना चाहिए, AR101, सबको नहीं, बट जो लोग ये चाहते हैं कि वो मेरे से जुड़े ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन, वो अगर पर्सनल मेंटरिंग मेरी चाहते हो तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ता है, ठीक है? एंड दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक का डिफरेंस पता रखना। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर मिलते हैं और आंसर राइटिंग पे हेल्प मिलती है, जो प्लस में नहीं मिलता है। अगर हम कोड का नियम याद रखना, कोड अगर आप मेरा यूज़ करते हो तो आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग मिलती है। इन सबको सोच समझ के सब्सक्रिप्शन लेना, अपने टाइम को डिसाइड करके सब्सक्रिप्शन लेना। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अभी प्लस जो पर मंथ EMI जा रहा है, प्लस का कोड यूज़ करने के बाद 3899, और आइकॉनिक का 5587 कोड यूज़ करने के बाद, क्योंकि कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% ऑफ ऑटोमेटिकली मिलता है, ठीक है? ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप अलग से ले सकते हो, मेयरली एट द प्राइस ऑफ द 2063 rupees पर मंथ। EMI जो है लोन के थ्रू इंटरेस्ट फ्री मिलता है। देखो, EMI के दो तरीके होते हैं, एक तो क्रेडिट कार्ड से आपको मिल सकता है, दूसरा लोन के थ्रू मिल सकता है। इंटरेस्ट किसी में नहीं लगता, एक साल के अंदर आपको पे करना होता है। अनअकैडमी इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवाती है, बैंकों के थ्रू ही लोन मिलता है, लेकिन बैंक आपको नहीं जाना होता है। आप या तो अनअकैडमी एग्जीक्यूटिव से बात करो, उनको बताओ कि मेरे को इन सर का कोड यूज़ करना है, बिकॉज आपको उनकी मेंटरिंग मिलेगी। फिर रैंडमली कोड भी मत यूज़ करना, ठीक है? आप अपने कोड के बारे में स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद या तो फिर तुम मेरे को बता दो कि सर आप लोन में थोड़ी हेल्प कर दो, आई विल गेट इट डन, ठीक है? इंटरेस्ट फ्री लोन है तो कोई मुद्दा वाली, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो कम्बैट प्लीज़ अपीयर हुआ कीजिएगा, स्कॉलरशिप लीजिए, पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। 10 class आर्ट एंड कल्चर और 20 class हिस्ट्री की करके आप UPSC की प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते हो ना, ठीक है? अनअकैडमी का स्टोर जयपुर में भी शुरू हो रहा है, कोई है उधर का तो ज़रूर जाइएगा, इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए बड़ा अमेजिंग टेस्ट सीरीज होता है, जो भी अपीयर हो रहे हो प्लीज़ गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज, इट्स अमेजिंग एंड अ वेरी नॉमिनल प्राइस, बाहर भटकने से 10 गुना बेहतर ऑप्शन आपके समक्ष है। कोड यूज़ करना और डिस्काउंट मिलेगा, एंड गो फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इतना ही, कल एडिटोरियल वाली क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी जल्दी पंकज सर की क्लास में आप लोग जाइए। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।